कोरोना कंट्रोल में है लेकिन खतरा भी टला नहीं, हमें लापरवाही की बजाय एहतियात से काम लेना होगा। विफाकी वज़ीरे इत्तला'आत ने कौम को खबरदार कर दिया। शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना आया तो 2 लेबोरेटरीज थी, आज 29 काम कर रही हैं। इस मुश्किल वक्त में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और तिबी अमले का किरदार बहुत अहम रहा, SOPs पर अमल करते रहे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली थी उसके नतायज ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। SOPs पे उस तरह अमल नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन बावजूद उसके अवाम ने काफ़ी हद तक इन तदाबीर को अपनाया, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हमने इस मूजी मर्ज को काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अब हम दूसरी तरफ हैं, अभी भी खतरात उतने ही हैं। SOPs का फॉलो अप करना, उनको उन पे मुकम्मल तरीके से अमल करना, ये मेरा ख्याल है कि हमारा एक कौमी फरीज़ा बनता है। आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जिस कामयाबी के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस इफ़ेक्टिवनेस के साथ इस इदारे ने इस पूरे वबा को हैंडल किया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।